नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंडियन टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप IRCTC के ऊपर अकाउंट कैसे बना सकते हो अपना रेलवे का टिकट बुक करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको जानना है आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बीच में बिना वीडियो को स्किप करें, बीच में बिना रोके। तो दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर पे दोस्तों यहाँ पर ये गूगल क्रोम जो है वो ओपन कर रहा हूँ। या आप इस ट्रिक का इस्तेमाल दोस्तों इस जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना है IRCTC और दोस्तों उस पर सर्च कर देना है। जैसे ही आप IRCTC सर्च कर देंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो साइट है देखिए आ जाएगी, IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम। आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है साइन इन का। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको इस साइन इन का ऑप्शन मिलता है। आप इस साइन इन के ऑप्शन के ऊपर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सिंपल साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरह का बहुत बड़ा फॉर्म जो है ये आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फॉर्म में सारी की सारी डिटेल जो है वो सब की सब मैंडेटरी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये देखिए मैंडेटरी लिखा है ना। मैंडेटरी का मतलब होता है कि सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर ही ज़रूर भरनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे ये फॉर्म भरना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ज़्यादा कैड़ा काम नहीं है। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए आपको ये यूज़र आईडी पूछेगा, तो आप अपनी यूज़र आईडी देखिए यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे अपनी एक यूज़र आईडी चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ MRT मेरठ उज्जवल, मैं यहाँ पे रहता हूँ। और मैंने ये अपनी यूज़र आईडी जो है चेक करी। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है चेक अवेलेबिलिटी का, तो आप इस चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे जाकर क्लिक करिएगा लेफ्ट क्लिक। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। देखिए यूज़र आईडी इज़ अवेलेबल, प्लीज़ गो अहेड विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर ये जो मेरी यूज़र आईडी है वो अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड चूज़ कर लेना है। तो जैसे कि मैं अपना यहाँ पर एक पासवर्ड जो है वो ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना यहाँ पे पासवर्ड चूज़ किया, इसी पासवर्ड को आपको दोबारा लिखना है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है और इसमें आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने गलती करी तो आपका जो सिस्टम है वो बिगड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगला स्टेप जो है वो है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को चूज़ करने का। तो यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो चूज़ कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पर व्हाट इज़ योर पेट नेम जो है वो चूज़ कर लेता हूँ और पेट नेम का नाम रख देता हूँ टाइगर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक जो है पेट नेम अपना चूज़ कर लिया है। अब आपसे प्रेफर्ड लैंग्वेज कह रहा है, तो आप अपनी कोई सी भी लैंग्वेज जो प्रेफर्ड लैंग्वेज रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे यहाँ पर इंग्लिश ही रहने दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो फिलअप करनी है। जैसे कि दोस्तों आपका फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका लास्ट नेम हो आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जेंडर, तो दोस्तों जो भी आपका जेंडर हो मेल या फीमेल वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे मेल चूज़ कर रहा हूँ। मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लीजिए, अनमैरिड, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड चूज़ करिएगा। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दोस्तों चूज़ कर लीजिए, अगर आप 18 साल के होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। आपका यहाँ पे दोस्तों ये आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर भी पूछेगा। तो दोस्तों इसके आगे लिखा है ऑप्शनल, मींस आप डालें या ना डालें कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों नीचे आ जाते हैं लिखा है ईमेल और मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल भर देनी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी ईमेल जो है वो भर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल जो है वो भर दीजिएगा जैसे कि मैं भर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, तो चलिए मोबाइल नंबर भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये आपको आपकी नेशनलिटी बताने को कहेगा। आप यहाँ पर अपनी नेशनलिटी जो है वो चूज़ कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये अपना रेजिडेंटल एड्रेस बताने को कहेगा, तो आप यहाँ पर अपना रेजिडेंटल एड्रेस भी इसे बता दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको देखिए ये एक कैप्चा कोड मिलेगा, आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है। उसके बाद दोस्तों जब आप और नीचे आएंगे तो आपसे कुछ फैसिलिटी पूछेगा कि आप ये फैसिलिटी लेना चाहते हैं। जैसे कि पहली है IRCTC न्यूज़लेटर, अगर आप ये लेना चाहते हो तो यस के ऊपर क्लिक करें, वरना नो के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरी है कमर्शियल प्रमोशंस, कि अगर आप कमर्शियल प्रमोशंस चाहते हैं तो यस पे क्लिक करिएगा, वरना नो पे क्लिक करिएगा। तीसरी है प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट द IRCTC SBI कार्ड थ्रू फोन, अगर आप हाँ चाहते हैं तो यस पे करिएगा, वरना नो पे कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर देखिए जो ब्लू कलर का ना, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है ना, आपका अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इतनी लंबी प्रोसेस तो नहीं करूँगा, मुझे आपको बताना था तो वो मैंने आपको बता दिया, अपने आप एक फॉर्म भी फिल करके बता दिया। और दोस्तों चलिए अब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर, और मैं आपको इस अकाउंट में लॉगिन होकर बताऊंगा कि आपको इसमें कैसे जो है वो लॉगिन होना है। यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है, तो जो भी आपकी यूज़र आईडी हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, और उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है, तो जो भी आपका पासवर्ड हो आप वो भी डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। पासवर्ड डालने में ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप ज़्यादा जल्दी करेंगे तो आपके पासवर्ड डालने में गलती हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद जो नीचे कैप्चा है वो आप डाल दीजिएगा, जैसे कि HHDPY, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने अपना कैप्चा डाला, अब आप देख सकते हैं लॉगिन का बटन स्क्रीन के ऊपर, आपको इस ब्लू कलर के लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा बता रहा है कि आपने कैप्चा जो है वो गलत डाला है, तो हम यहाँ पे दोबारा से जो है एक बार लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको लॉगिन के समय जो है काफी ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चलिए पासवर्ड डाल दिया है, अब कैप्चा भी डाल देते हैं। कैप्चा है MMM97, ठीक है दोस्तों। लॉगिन के ऊपर क्लिक करा और ये देखिए हम हो चुके हैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन। तो दोस्तों आपको सब चीज़ करेक्ट डालनी है, यहाँ से आप अपना जो है रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं। कैसे, तो कैसे का सवाल दोस्तों यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन का, आपको यहाँ पे जहाँ पे जाना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली जो है सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरठ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने मेरठ चूज़ किया। अब आपको जाना है सपोज अगस्त में 25 तारीख को, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो सबमिट का बटन है ना, आपको सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए कितनी साइड ट्रेन्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी साइड ट्रेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, आप इसमें से कोई सी भी चूज कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पर अपनी ये पहली है हरिद्वार मेल, यहाँ पर आपको जो क्लास लिखा है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास लिखे हुए हैं फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, आपको इन क्लास जो है सेलेक्ट करनी है। फिलहाल मैं यहाँ पे थर्ड एसी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटिंग है 7, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है कि 25 तारीख 8वें महीने 2017 की 7 वेटिंग है, 26 तारीख की 12 है, 27 तारीख की 9 है। तो जिस भी तारीख को आपको बुक करनी है, आपको सिंपल ब्लू कलर का ऑप्शन मिलता है बुक करने का, आप देख सकते हैं ब्लू कलर में लिखा है बुक नाउ, आपको सिंपल दोस्तों इस बुक नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे आपके पास एक पॉपअप मैसेज आएगा, आप इस पे ओके पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे प्लीज वेट का आएगा, आपको देखिए यहाँ पर ये बताएगा। तो दोस्तों उस ट्रेन में बुक करने से पहले ये आपको कुछ और ट्रेन दिखाएगा जिसके अंदर सीट अवेलेबल होंगी, तो दोस्तों शायद ना भी दिखाए लेकिन मोस्टली दिखाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बता रहा है कि एक ट्रेन है जो कि है देहरादून एक्सप्रेस, इसमें 2 सीट हैं, इसमें 24, इसमें 7, इसमें 28, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4 और इसमें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको बता रहा है, तो आप चाहें तो चूज़ कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसमें भी तो वेटिंग थी, मैं यहाँ पर ये वाली जो ट्रेन है जिसमें 24 सीट अवेलेबल है, मैं यहाँ पर बुक नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं ब्लू कलर में लिखा है बुक नाउ, आपको इस बुक नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एक पॉपअप मैसेज जो है दोबारा आएगा, आपको फिर से ओके के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप जो है आ जाएंगे। यहाँ से आप दोस्तों अपने पैसेंजर की डिटेल भर के आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है अपने ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना ट्रेन का टिकट कैसे बुक करना है, अपना अकाउंट IRCTC की वेबसाइट पे कैसे बनाना है। दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आगे का स्टेप बहुत आसान है, आपको सिर्फ डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर पेटीएम से आपको पेमेंट करना है अपने टिकट के बैलेंस का, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं आगे नहीं लेके आ रहा, आपको दिक्कत सिर्फ यहीं तक होनी थी, और दिक्कत की बात मैं जो थी वो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दी है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आगे की वीडियो भी बना दूंगा अगर आपको कोई स्टेप में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। दिक्कत आने की नहीं है लेकिन फिर भी, ठीक है। और अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा एक नई ट्रिक लेके, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन टेक एजुकेशन।